हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको सॉफ्ट इडली कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम उड़द दाल और रवा से बनाने वाले हैं इस इडली को। मैं यहाँ पे 1 कप उड़द दाल यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से 2 बार वॉश कर लेते हैं। इसे ऐसे हाथों से ऐसे प्रेस करें और इसका पानी हटा लेते हैं। ऐसे ही मैंने 2 बार इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और इसे फिर से इसमें अच्छा वाला पानी डाल के इसे 6 से 8 घंटे तक रख देते हैं बाहर। छः से आठ घंटे से ऊपर हो चुका है। अब सुबह मैं इसे इस पानी को निकाल देती हूँ या फिर इस उड़द दाल को इस मिक्सर के जार में डाल के इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इडली रवा यूज़ कर रही हूँ। इस बॉल से मैंने मेजरमेंट करके लिया था उड़द दाल, तो फिर रवा भी इसी बॉल से मेजरमेंट करके ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप रवा यूज़ किया है और 1 कप उड़द दाल। तो फिर इस रवा को अच्छी तरीके से अच्छे वाटर से वॉश कर लेते हैं। 2 बार इसे भी वॉश कर लेते हैं। मैंने अभी वॉश कर लिया है। अब उड़द दाल भी ऐसे सॉफ्ट बैटर बना के रेडी कर दिया है। अब इस उड़द दाल का मिक्सर को इस रवा में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बैटर अभी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना थिक है अभी भी। तो फिर बाद में इसे एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इसे अच्छी तरीके से इसे क्लोज करके इसे भी 6 घंटे तक रख लेते हैं। 6 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा फूल के ज़्यादा हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से फिर से इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिर से थिक हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा। इसे मैं क्या करती हूँ, जो मुझे कितना अभी यूज़ होगा मैं उतना ही उसमें सॉल्ट और सोडा डालने के लिए निकाल देती हूँ। ये फ्रिज में रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा मिला दिया है मैंने अभी। अभी इस मिक्सर को अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत पोरिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं दिखा देती हूँ, ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इडली बनाने के लिए। तो फिर इडली कुकर को मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब इडली स्टैंड के यहाँ पे इस सारे में थोड़ा ड्रॉप्स ऑयल डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। आप अपने फिंगर से करें या फिर ब्रश से करें। और जो बैटर है इसे डाल देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही सारे डाल देते हैं और एक के ऊपर एक स्टैंड रख के इसे इस स्टीम कर लेते हैं। अभी स्टीम करने के लिए रेडी हो चुका है इडली बैटर। इसे क्लोज करके 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। आप देख सकते हैं नाइफ क्लीन आ रहा है। तो फिर इडली हो चुका है। अब इसे निकाल के 2 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, 2 मिनट तक मैंने छोड़ा था। तो फिर इसे इडली को निकाल देते हैं और सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। इडली बनाना बहुत ही आसान है। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि इडली का बैटर बहुत ही गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही पतला भी नहीं होना चाहिए और इसे फर्मेंटेशन भी करना ज़रूरी है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।